खजराना गणेश मंदिर में आज से प्रारंभ हुए तिल चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह, मंदिर के प्रशासक निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा मंदिर पुजारियों के सानिध्य में पूजा अर्चना, अभिषेक और ध्वजा पूजन के साथ किया। इस मौके पर खजराना गणेश भक्त मंडल द्वारा 51,000 तिल गुड़ लड्डुओं का भोग लगाया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, इस मंदिर में किसी ने कुछ गलत किया तो मेरा अनुभव रहा है कि व्यक्ति को गणेश जी की नाराजगी भारी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि गणेश जी का मैंने देखा है, जब आशीर्वाद देते हैं तो व्यक्ति तर हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, आस्था के पीछे कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें देखने में आती हैं, या आप खुद कुछ अगर मानते हैं, या आप बाकी लोगों का देखते हैं, कुछ गणेश जी का मैंने देखा कि जब किसी पे स्नेह आशीर्वाद करते हैं तो व्यक्ति तर हो जाता है, सभी उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी मैंने देखा कि जब कोई गलती करता है इस मंदिर में तो उस पर दंड भी भगवान बहुत कठोर देते हैं, ये भी मैंने अपने जीवन में इस मंदिर में देखा है। दोनों तरह की चीज़ें देखी हैं। तो गणेश जी का स्वरूप बहुत कोमल भी है, बहुत दयावान भी हैं, मदद भी करते हैं, किंतु गलत अगर चीज़ होती है इस मंदिर में, कोई खासतौर पर इस मंदिर में अगर किसी ने कोई गलत भाव किया या कुछ किया, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि उस व्यक्ति का नाराजगी बहुत भारी पड़ी है भगवान। सर, सिंहासन बनने जा रहा है, काफ़ी अद्भुत सिंहासन बन रहा है, इसके बारे में कितनी चांदी लगी है इसमें, किस तरह से बना? चांदी एग्जैक्ट कितने किलो आज तक लगी होगी? सिंहासन लगभग बन गया है, उसका फ्रेम ट्रांसपोर्ट होकर आ चुका है पूरा, और उसको लगाया जाना है, और डिटेल्स अभी मुझे पता करने पड़ेंगे कितने किलो चांदी लास्ट तक लगी थी उसमें। कहा राजस्थान से बनवाया है उसको हम लोगों ने। किस तरह का होगा? बहुत अच्छा है, वो तो लगने में अपने मालूम पड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेला जो परंपरा अनुसार यहाँ पर भरता है, इस महापर्व पर यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर इस बार कोविड महामारी के कारण संख्या कुछ कम है। फिर भी आज भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है और स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। भगवान के मंदिर को फूलों से सजाया है और भव्य विद्युत सज्जा भी की गई है। आज यहाँ पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह जी एवं मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासक नगर निगम आयुक्त प्रदीपा पाल मैडम द्वारा यहाँ पर मुख्य पुजारी मोहन जी भट्ट, अशोक जी भट्ट, धर्मेंद्र भट्ट आदि के सानिध्य में ध्वज पूजन किया गया और महाआरती की गई। आज भगवान गणेश जी महाराज को 51,000 तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है और यह प्रसाद यहाँ पर भक्तों में वितरण किया जा रहा है। जो दर्शन की व्यवस्था की गई है वो 4 रो में की गई है, स्टेप लगाई गई है और क्रमबद्ध लोगों को दर्शन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। इस कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य है और सभी लोग मास्क लगाकर ही यहाँ पर दर्शन का लाभ लें।